टेक्नोलॉजी तक में तुष्टिकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? కాబట్టి ఇక్కడ జరగబోయే ఎన్నికల యుద్ధం బీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ కు మధ్యలోనే జరుగుతుంది. పిచ్చేసే బీజేపీ ఆర్ ఎంఐఎం కి మద్దతు వెనుక నుండి బీజేపీ ఎంఐఎం దీనికి సహాయం చేస్తుంది. మేరా లక్ష్య తెలంగాణ మే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సర్కార్ లానే కా హై, మగర్ ఢిల్లీ మే నరేంద్ర మోదీ కో హటానే కా హై. स्थापन किए, यहां तक मैं जब लेबर मिनिस्टर था उस वक्त यहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज के लिए ईएसआई का हॉस्पिटल हमने यहां बनाया और आज लोगों को उसका फायदा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। पंक्तियों को इसलिए मैंने आपके समक्ष रखा क्योंकि आप समझ सकें कि वसुधा का कल्याण करने के लिए हम सब सामने होते हैं। हम सब जो है कोशिश करते हैं कि हम पृथ्वी को जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर लोगों को अपने साथ, उनको जो है एक सकारात्मक शक्ति के साथ जोड़ सके। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं देखा जाता है। राजनीति में ये कहा जाता है कि खुद का कल्याण ना भूलें, कुर्सी का कल्याण ना भूलें, गाली गलौच ना भूलें, तंज कसना ना भूलें, बयानी बवाल करना ना भूलें, और राजनीति इसमें ही सिमट कर रह गई है। और इस तरीके की राजनीति ये बताती है आपको कि आप मरो डूबो कुचलो, कुछ नहीं होगा आपका, हमें कुर्सी पर बैठना है और यूं मूंछ को अपनी जो है घुमाना है। यानी कि आप समझिए कि ये तानाशाही है, जो पावर पॉलिटिक्स है, ये आपको ये सीख देती है कि लोकतंत्र की अगर खूबसूरती भारत देश में ये है कि आप जो है सरकार को चुन सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं, तो उसका उपयोग करिए। ये हमारा लोकतंत्र संविधान सिखाता है। लेकिन कुछ अंधभक्तों ने, कुछ ऐसे मानसिक रोग से गंभीर नेताओं ने, समर्थकों ने कुछ ऐसा माहौल देश का कर दिया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया। आपको बता दें कि लगातार जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर लो, या फिर किसानों की बात कर लें, फिर जमीनी स्तर किसी भी मुद्दे की बात कर लो, इस पर सरकार नहीं बोलती, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। और ये तमाम सरकारें अब सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर विशुद्ध राजनीति में सिमट कर रह गई हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने के लिए जो है वो अग्रसर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बयानी बवाल ही चलता रहेगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। दर्शकों, लगातार बयानी बवाल चल रहा है। 5 राज्यों का सेमीफाइनल खत्म होने पर की कगार पर है और उसका रिजल्ट परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है। लेकिन इस बीच जो है लगातार लोकसभा चुनाव के पहले पहले नेता एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और इन घेराव के बीच जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं केंद्र से गायब हो गए हैं। और जनता के मुद्दों पर कोई बोलना इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि जो जनता के मुद्दे पर बोलेगा, जो वायदा करेगा, उसको झूठ बोलना पड़ेगा। हालांकि राजनीति में झूठ तो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, झूठ बोले बिना नेता तो रह ही नहीं सकता है। और इस झूठ बोलने का ना कोई कानून बना है,
ना इस झूठ बोलने की कोई जेल बनी है, ना इस झूठ बोलने के लिए गिरफ्तारी होती है, ना इस झूठ बोलने के लिए जो है जनता मोर्चा खोलती है। क्योंकि झूठ मतलब पता ही चल गया, मतलब लोगों की मानसिकता में ये बैठ चुका है कि नेता मतलब झूठ। क्योंकि काम कहते हैं कि वायदे 15 करेंगे, लेकिन साल निकलते 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 वो 5 वायदे भी पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको आज हम बयानी बवाल के इस खास एपिसोड में, प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं कि राजनीति का स्तर किस तरीके से जो है चेंज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बयान के आधार पर जो है अपने आप को प्रेरित करता हुआ नजर आता है। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सुन लीजिए कि किस तरीके से जो है कांग्रेस और तमाम पार्टियों पर हमला करते हैं और अपने शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, वो कांग्रेस के मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया आजकल मेड इन इंडिया का गौरवगान कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि बीआरएस और कांग्रेस के नेता कभी मेक इन इंडिया की बात ही नहीं करते। यही मानसिकता है जिसके कारण निर्मल की हजारों वर्षों से चली आ रही टॉयज परंपरा, टॉयज इंडस्ट्री बेहाल हो गई। आज जब भारत टॉयज के एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना रहा है, बीआरएस सरकार यहां निर्मल की टॉय इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही, ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए, आज यहां बीजेपी की सरकार बनते ही निर्मल टॉयज के लिए भी विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। ओ कुटुंब नेडु यावत् प्रपंचमंत कूडा मेक इन इंडिया पेरु मारुमोगिपोता उंदी, कानी दुरदृष्टं अंटे ये ओक्क रोजु कूडा बीआरएस पार्टी गानी कांग्रेस पार्टी गानी మేక్ ఇన్ ఇండియా గురించి మాట్లాడరు, వాళ్ళ మానసిక స్థితి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు పార్టీల కుట్రల కారణంగానే, మోసం కారణంగానే, నిర్లక్ష్యం కారణంగానే వేల ఏళ్ళుగా ఈ నిర్మల్కు ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ కానీ, నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మల పరిశ్రమ కానీ నిర్లక్ష్యానికి గురి కాబడిందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. నేను మోడీ గ్యారంటీ ఇస్తా ఉన్నాను, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రాగానే ఈ యొక్క నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మల గురించి, నిర్మల్ యొక్క పెయింటింగ్స్ గురించి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తాను. ఇది మోడీ గ్యారంటీ నిర్మల్ కని మనం చేస్తా ఉన్నాను. నా కుటుంబ సభ్యులారా, ఏక్ తరఫ్ బీజేపీ సర్కార్ ఏసీ యోజనాయ్ బనా రహీ హై, ఫుడ్ పార్క్ బనా రహీ హై, టెక్స్టైల్ పార్క్ బనా రహీ హై, లేకిన్ యహాన్ బీఆర్ఎస్ और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। बीआरएस तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? మిత్రులారా, ఒకవైపు భారతీయ జనతా పార్టీ ఫుడ్ పార్కులు, టెక్స్టైల్ పార్కుల గురించి మాట్లాడుతుంది. వరంగల్లో కూడా మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ మంజూరు చేయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే, ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళి టెక్నాలజీ విషయంలో కూడా బుజ్జగింపు ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. మీరు చూశారు, ఎప్పుడైనా భారతదేశంలో ఎక్కడైనా కూడా మతం పేరుతో ఐటీ పార్కులు పెట్టించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదా? కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు తెలంగాణలో మతం పేరు మీద ఐటీ పార్కులు పెడతామని చెప్పడం ఏదైతున్నదో చాలా సిగ్గుచేటు. ఇది ఓట్ల ఆట ఆడుతా ఉన్నారు. ఇది భారత రాజ్యాంగానికి ప్రమాదకరము. ఇంత దుర్మార్గంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరిస్తూ ఉంది.
ना कुटुंब सभ्युलारा बीजेपी का हर प्रयास है कि आपके पैसे बचे, आपकी कमाई का सही इस्तेमाल हो। पहली बार देश में मुफ्त राशन देने की योजना, मुफ्त चावल देने की योजना हमने शुरू की, और इतना ही नहीं अब तो इसे मैं आगे 5 साल तक मुफ्त देने का संकल्प कर चुका हूं। देश के इतिहास में पहली बार आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की। मुफ्त भोजन, मुफ्त इलाज, दुनिया भर में मुश्किल चुनौतियों के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, और बीजेपी सरकारें राज्यों में जहां जाए, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, सब जगह पे बीजेपी की राज्य सरकारों ने वैट घटाया। लेकिन बीआरएस सरकार ने वैट नहीं घटाया, आपको राहत नहीं दी। पेट्रोल डीजल धरलू तक गाला बद्दा। सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राजनीति का स्तर क्या है। और ऐसा नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हो, यहाँ पर राहुल गांधी भी जो है पीछे नहीं हटते हैं। वो भी लगातार जो है पीएम नरेंद्र मोदी को, भाजपा पार्टी को, तमाम नेताओं को टारगेट करते हैं, उनकी जमीनी हकीकत की चर्चा कर देते हैं कि उन्होंने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए। लेकिन अगर राहुल गांधी अगर सच में अपने आप को युवा नेता मानते हैं, अगर सच में राहुल गांधी ये चाहते कि नहीं मुझे सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात करनी है, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी पर जो है टिट फॉर टैट राजनीति करते हुए नजर नहीं आते। देखिए इस वीडियो को। पहले यहां बीजेपी के लोग आए, छाती फुला के आए, मोदी इकड़े बीजेपी वाला अच्छी तम छाती मोतम उपिच अच्छी पैकी ऐसे घूम रहे थे, समझ गए, छाती मोतम उपिच रोड में नड़सकुंडा वच्चेवारु। कांग्रेस पार्टी ने 4 महीनों में उनकी हवा निकाल दी, पूरी गैस निकाल दी। कांग्रेस पार्टी 4 నెలల్లో వాళ్ళకున్న గ్యాస్ ను పలుకుబడిని మొత్తం తీసి పారేసింది, పుష్ కర్కే పూరి గ్యాస్ నికల్ గయి, పుష్టని వాళ్ళ గాలిని తీసి పడేసింది। जैसे गाड़ी में 4 టైర్ होते हैं ना, चारों फाड़ दिए हमने उठा के। ఎట్లయితే పలుకున్నటువంటి 4 టైర్ల నుంచి గాలి ఎట్లా ఊడిపోతదో అట్లా ఊడదీసి పడేశాము మేము। नरेंद्र मोदी कहता है भैया ये क्या हुआ? नरेंद्र मोदी అనుకుంటున్నారు అరే ఇది ఏమి జరిగింది ఆశ్చర్య పోతున్నా। తెలంగాణ में बीजेपी कहां गई? दिखी नहीं रही है। తెలంగాణలో బీజేపీ ఎక్కడ పోయింది? అసలు కనబడతలేదు అని అంటున్నాడు। अब हमारा लक्ष्य है कि यहां तेलंगाना में केसीआर को हराना और दिल्ली में बीजेपी की गैस निकालना। ఇప్పుడు మాకున్నటువంటి లక్ష్యం ఒకటే, ఇక్కడ కేసీఆర్ గారిని ఓడగొట్టడం, ఢిల్లీలో అదే విధంగా బీజేపీని నరేంద్ర మోడీని ఓడగొట్టడం। ఏ దోనో ఏక్ దూసరికి మద్దతు కర్తరు, ఈ ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు। ఔర్ ఉన్కా తీసరా దోస్త్ ఎంఐఎం, వాళ్ళకున్న మరొక స్నేహితుడు ఎంఐఎం। హమ్ అస్సాం మే బీజేపీ సే చునావ్ లడతే वो बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। असम लो में इलेक्शन पोटी चेयालनुकुंटे अक्कड़ बीजेपी तो एमएम वाले पैसा తీసుకొని అక్కడ ఎలక్షన్ లో నిలబడతారు। उनकी कैंडिडेट की लिस्ट देखो तो सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस की वोट काटने के कैंडिडेट। वाले యొక్క कैंडिडेट लिस्ट చూస్తే అది మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల యొక్క ఓట్లను గండి కొట్టే నాయకులు మాత్రమే ఉంటారు। అస్సాం हो, महाराष्ट्र हो, అస్సాం అయినా महाराष्ट्र అయినా, गुजरात हो, राजस्थान हो, गुजरात అయినా राजस्थान అయినా, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां पे एमआईएम के लोग आ जाते हैं, कैंडिडेट लगा देते हैं। ఎక్కడైతే कांग्रेस पार्टी बीजेपी తోని కొట్లాడాలనుకుంటుందో అక్కడ ఎంఐఎం వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు పోటీ అవుతారు। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, కాబట్టి ఈ ముగ్గురు ఒకరిని ఒకరు కలుసుకొనే ఉన్నారు। और ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना आए। వీళ్ళందరూ అనుకునేది ఒకటే లక్ష్యం, कांग्रेस पार्टी గెలవొద్దనేదే వీళ్ళ లక్ష్యం। क्योंकि तीनों अपने लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी दुरला इसलिए यहाँ लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में।
కాబట్టి ఇక్కడ జరగబోయే ఎన్నికల యుద్ధం బీఆర్ఎస్ కును కాంగ్రెస్ కు మధ్యలోనే జరుగుతుంది పిచేసే బీజేపీ ఆర్ ఎంఐఎం కి మద్దతు కర్ వెనుక నుండి బీజేపీ ఎంఐఎం దీనికి సహాయం చేస్తుంది ఆర్ మేరా లక్ష్య తెలంగాణ మే కాంగ్రెస్ పార్టీ కి సర్కార్ లానే కా హై మగర్ ఢిల్లీ మే నరేంద్ర మోదీ కు హటానే కా హై కానీ నా లక్ష్యం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావాలని అదే విధంగా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీని ఓడించాలన్నదే నా లక్ష్యం ఆర్ యహాన్ పే పహలా కదం బీఆర్ఎస్ కు హరానే కా దానిలో భాగంగానే నా మొదటి అడుగు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ను ఓడగొట్టడమే యహాన్ పే హమ్నే బీఆర్ఎస్ కు హరా దియా తో నరేంద్ర మోదీ కు హరానా ఆసాన్ హో జాయేగా ఎప్పుడైతే మేము ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ను ఓడగొడతామో నరేంద్ర మోడీని కేంద్రంలో ఓడగొట్టడం మాకు సులువుగా అవుతుంది తో యే యాద్ రఖియే కి యే లడాయీ బీఆర్ఎస్ ఆర్ కాంగ్రెస్ కి బీచ్ కాబట్టి మిత్రులారా గుర్తుంచుకోండి ఈ ఎన్నికల యుద్ధం బీఆర్ఎస్ మరియు కాంగ్రెస్ మధ్యలో तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से जो है राहुल गांधी ने तंज कसा, तंज पर तंज, बयानी पर बयानी बवाल, ये ही राजनीति का विस्तार जो है कहीं ना कहीं रह गया है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर भाजपा पार्टी के नेता क्या कुछ कहते हैं। आपको याद है पंडुबी घोटाला, याद है आपको, याद है हेलीकॉप्टर घोटाला, आपको याद है 2G घोटाला, आपको याद है थी ये हमारा ये जो गेम का एशियन गेम्स का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, CWG का घोटाला याद है ना, और ये कोयला घोटाला याद है ना, चावल घोटाला याद है ना। यानी इन्होंने ना आकाश छोड़ा, ना जल छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार किया, किया कि नहीं किया? किया। अब दूसरी बात, ये KCR ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का घोटाला किया कि नहीं किया? किया। ये ATM है कि नहीं है? ये 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,000 करोड़ का बना कि नहीं? इसका जमीन में ब्रिज धस गया कि नहीं? धस गया कि नहीं? ये धरनी पोर्टल में गरीब लोगों का जमीन हर रहे कि नहीं? इनके एक एक एमएलए ने लैंड स्कैम किया कि नहीं? इनके एक एक एमएलए ने ये जो जमीन का घोटाला किया कि नहीं? गरीब लोगों की जमीन छीनी कि नहीं छीनी? और अमीर लोगों को बड़े दाम पर बेचा कि नहीं बेचा? ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दे आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? हाथ उठा के बोलिए, मैं ठीक बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख घर देने का तय किया था। आप बताओ ये KCR ने लोगों को गुमराह करके प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम रोकी कि नहीं रोकी? और 2BHK की स्कीम चलाई कि नहीं चलाई? बताओ किसी को घर मिला क्या? नहीं, मैं पीछे से सुनना चाहता हूँ, मिला घर क्या? इंदू छाया मिला क्या? मिला क्या? मित्रों ये समझो कि ये घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला ये करने वाली सरकार है। आप बताइए इनके सारे एमएलए भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? इनकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? और ये चोर चोर मोसेरे भाई हैं कि नहीं है? कांग्रेस और बीआरएस ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? मालूम है बीआरएस का क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति। ये भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति है। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब है अपने घर को भरो, लोगों की से सेवा करवाओ और अपने मेवा खाओ। बोलो ऐसी पार्टियां दोनों चाहिए क्या?
देखा आपने यहाँ पर भाजपा पार्टी के नेताओं को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर फिर से टारगेट किया गया, फिर से बयानी बवाल ही जो है कौंधता हुआ नजर आया, चीखता और चिल्लाता हुआ नजर आया। और यही आज राजनीति है, जो चीख रही है, चिल्ला रही है और कह रही है कि जनता के मुद्दों की बात करो, लेकिन नेता नहीं, हम तुम पे तंज कसेंगे, तुम हम पे तंज कसो, तंज तंज और कर देंगे जबरगंज। लेकिन अब आगे आपको सुनवाते हैं कांग्रेस पार्टी के इस नेता को, जिसने यहाँ पर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए नजर आया। बार और पलटवार का सिलसिला लगातार राजनीति में जारी है, सुनिए। सनत नगर पहले से इसके आजू बाजू के भी जितने कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये सभी इंडस्ट्रीज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में आए, जिसमें DRDO है, फार्मेसी के हैं, और यहाँ से दूर BEL है, BHEL है। ऐसे बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस ने इस एरिया में स्थापन किए। यहाँ तक मैं जब लेबर मिनिस्टर था, उस वक्त यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज के लिए ESI का हॉस्पिटल हमने यहाँ बनाया और आज लोगों को उसका फायदा मिला। और लेबर के लिए डायग्नोज करने की एक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी खोला गया। मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ कि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो सिर्फ कांग्रेस में होते हैं, और जो लूट होती है ये सब जो लोग हमारे खिलाफ है उनके जमाने में होता है। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस पूरे प्रोग्राम को आपने देखा होगा, तो पूरा प्रोग्राम जो है बयानी बवाल में समट गया। और इस बयानी बवाल में जनता के मुद्दों की बात क्षण भर पल भर ही हुई है, सिर्फ और सिर्फ सरकारों को टारगेट किया गया, एक दूसरे की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। क्या यही आज की राजनीति है? और बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम में जो आपने देखा और आपने सुना, कि आपको लगता है कि आने वाले समय में जब भारत 22वीं सदी में जो है प्रवेश करेगा, या फिर 21वीं सदी के लास्ट तक विकसित भारत की ओर बढ़ेगा, वैश्वीकरण की ओर आगे बढ़ेगा, तब ये खत्म हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि तब कुछ होशियार नेता हमारे राजनीति में प्रवेश कर जाएं, नहीं तो बयानी बवाल चल रहा है और जनता को मूर्ख तो बनाया ही जा रहा है। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।